राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक लाल किताब की जानकारी ज़रूर पहुंचे। चंद्र का संबंध शनि के साथ कैसा है लाल किताब के अनुसार, क्या कहती है लाल किताब इस बारे में, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लाल किताब कहती है कि अगर चंद्र शनिचर को देखे, यानी कि शनि को देखे, सैटर्न को देखे, तो चंद्र का फल अच्छा होगा और शनि का फल खराब होगा। कैसे देखते हैं ग्रह एक दूसरे को, दर्जा दृष्टि क्या होती है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो ज़रूर दूंगा। पर मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, चंद्र व बुध, वहाँ पर दृष्टियाँ समझाई गई हैं। और अब बात की जाए, जब शनि देखेगा चंद्र को तो क्या फल देगा। अब शनि का फल अच्छा होगा और चंद्र का फल खराब होगा, लाल किताब कहती है। जो इसके अलावा मुश्तरका घर, मुश्तरका घर कहते हैं साथ वाले घरों को, यानी कि जैसे मान लीजिए कि खाना नंबर 2 में शनि बैठा है और खाना नंबर 3 में चंद्र बैठा है, तो इसको बोलेंगे कि ये मुश्तरका बैठे हुए हैं, यानी कि साथ वाले घर में बैठे हुए हैं आपने। इनके बीच में एक फर्जी तौर पर दीवार मानी गई है जो कुंडली में एक रेखा खींची जाती है। वैसे तो ब्रह्मांड में कोई रेखा नहीं है, पर कुंडली में जो रेखा है उसको मुश्तरका दीवार कहते हैं। यानी कि शनि और चंद्र जब मुश्तरका बैठे हों, ये वहम, यानी कि वैसे तो आमतौर पर आपस में दुश्मनी का ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुश्तरका घर में होने के कारण ये एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेंगे, यानी कि अपनी दुश्मनी का असर एक दूसरे में नहीं मिलाएंगे। पर जब चंद्र का कुआं, देखिए लाल किताब लिखी गई है पुराने समय के अनुसार, उस समय कुएं हुआ करते थे, तो कहते थे कि कुएं की दीवार तोड़कर मकान या सर्द खाना हम कहते हैं कि अंधेरा कमरा, जो एक कोठरी पुराने समय के मकानों में होती थी, पिछले वाला दरवाजा बिल्कुल मकान के आखिर में जाके अंधेरा और ठंडा कमरा हुआ करता था, यानी कि सर्द खाना या मकान बनाया जाए चंद्र कुएं की दीवार को फाड़कर, तो अब शनि और चंद्र की दुश्मनी जाग उठेगी और ये बहुत बुरी तबाही लाएंगे। मतलब क्या नुकसान करेंगे, एक तो ये आपकी माता को नुकसान पहुंचाएंगे, औलाद को नुकसान पहुंचाएंगे, औलाद के कष्ट बनेंगे, माता को कष्ट बनेगा और दौलत बर्बाद हो जाएगी और खुद के शरीर को भी बड़े शारीरिक कष्ट आएंगे ऐसी हालत में। अब कुएं तो है नहीं आज के ज़माने में, हैंडपंप भी जा चुके हैं, तो आजकल के समय में हम समर्सिबल पंप ले सकते हैं, यानी कि जो समर्सिबल कर दिए जाते थे आज के समय में करते हैं, एक कुएं का रूप ले चुके हैं, क्योंकि बहुत गहराई से पानी निकाला जाता है। और जिनके घरों में सरकारी टूटियों से पानी आता है वहाँ पर ये चीज़ इतनी लागू नहीं होगी। हाँ, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जल का स्थान हो उस दीवार को फाड़ कर अगर मकान बनाया जाए या सर्द खाना अंधेरी कोठरी बनाई जाए तो ये बुरे फल आपको प्राप्त होंगे, आपकी माता को कष्ट, दौलत को कष्ट, औलाद को कष्ट और खुद को शारीरिक कष्ट। तो ऐसे निभाते हैं शनि और चंद्र अपनी दुश्मनी। बाकी इनकी युति में क्या होता है इसके बारे में अलग अलग वीडियो आगे बनेंगे जाके, अभी नहीं, अभी सिर्फ लाल किताब के अनुसार इनका जो जनरल फल है वही कर रहा हूँ। वैसे तो शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो केतु नीच का बनता है, तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या भी मैं लाल किताब के अनुसार आपको बताऊंगा क्या है। तो ये थे चंद्र और शनि का संबंध लाल किताब के अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आगे भी ज्योतिष के प्रेमियों तक इसे शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।